राणा जी वो देखिए 1 लाख की संख्या में मुगल सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं। अरे सेना के मुख्य सेनापति हैं आपके छोटे भाई भाई शक्ति शक्ति से आपके कई राजपूत राजाओं ने हल्दी घाटी की जंग के इस आखिरी मरहले में हमारा साथ और हमारे साथ जंग में शामिल होने की पेशकश की है, जिसमें हमारे साथ दोस्ती और ताऊन का पैगाम भी भेजा है, कई पनी फौजें भी भेजी। इस ताकत को मिलाकर देखा जाए तो एक घायल प्रताप ही क्या, इस जैसे 100 प्रतापों को शिकस्त करने की ताकत रखती है। हमारे ख्याल से अपनी वफादारी दिखाने का आज तुम्हारे पास एक नायाब मौका दरपेश है, जिसमें फैसला लेने पर हमारी तरफ से तो कई फायदे दिलवाएगा ही और तवारीख के पन्नों पर दर्ज भी करवा सकता है। तो बोलो, प्रताप पे इस आखिरी हमले वाली फौज की कमान को लेने के लिए तैयार हो तो? हम तैयार हैं। इस समय युद्ध भूमि की जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसे हमारी विशाल और शक्तिशाली सेना के लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये विजय तो अब होकर रहेगी। हमारे सभी सेनापतियों और सिपाहियों से ये आग्रह है कि विजय पथ पर चलते समय विरोचित गरिमा का पालन किया जाए, हारते हुए राजपूत सैनिकों को कम से कम पीड़ा वाली मृत्यु दी जाए। पर हुकुम, आप किसके साथ लोहा लेंगे इस रण क्षेत्र में? हम सामना करेंगे महाराणा प्रताप का। राणा जी, आपको सुरक्षित मार्ग लेके यहाँ से निकल जाना होगा। हम एक योद्धा हैं। आप चाहते हैं कि हम युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाएं? परिस्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। राणा जी कुंवर जगमाल ने मुगल सेना के साथ उदयपुर पे आक्रमण कर दिया है। वहाँ हमारे पास केवल मुट्ठी भर सैनिक हैं, मुट्ठी भर रानी सा हैं, अमर सिंह हैं और उनके साथ उदयपुर की समस्त स्त्रियां। आपको वहां जाना होगा, समस्या को नियंत्रण में रखने के लिए आपको वहां जाना होगा राणा जी, इसी क्षण। बस आचार्य जी बस, आप चाहते हैं कि राणा प्रताप सिंह अपने विश्वस्त सामंतों, अपने हितैषी मित्रों, अपनी समस्त सेना को छोड़कर युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाए, ताकि इतिहास जो है राणा प्रताप सिंह को देशद्रोही और कायर कहे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल जाए कि जीवन भर जिस राणा प्रताप सिंह ने देश की बातें की, देश को बचाने की बातें की, मातृभूमि की बातें की, वो वास्तव में कायर था। आपने हमें सदैव बताया कि हमें अपने अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, अपने मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, और आप आज हमें कह रहे हैं कि हम इस भर्ती को छोड़कर चले जाएं उन मुगलों के हाथों। नहीं आचार्य जी, हम चित्तौड़ के इतिहास को नहीं दोहराएंगे। आज हल्दी घाटी की पावन मिट्टी या तो मुगलों के रक्त से रंजित होगी या फिर राणा प्रताप सिंह के रक्त से सराबोर। राणा जी, केवल आप ही ऐसे योद्धा हैं जिस पर लोगों को आस है। लोगों को लगता है कि जब तक आप जीवित है तब तक उनका स्वप्न जीवित है, समस्त भारत को एकजुट करने का सपना, समस्त भारत की एकता का सपना, समस्त भारत की अखंडता का सपना, समस्त भारत पर हिंदू राज का सपना। खमागड़ी राणा जी, जगमाल ने मुगल सैनिक टुकड़ी की सहायता से उदयपुर के प्रमुख द्वार पर आक्रमण कर दिया। महारानी फूल कुंवर बाईसा, अमर सिंह जी और चक्रपाणी उनसे मोर्चा संभाले हुए। राणा जी, अब जाइए यहाँ से, आपको इसी क्षण यहाँ से निकलना होगा। मुगल सेना हमारी ओर तत्पर बनती जा रही है, हमारे पास समय बहुत कम है। राणा जी, क्या चाहते हैं आप कि आप राजपूती मर्यादा के कारण अमर सिंह जी के प्राणों को संकट में डाल दें? राजपूती मर्यादा के कारण मेवाड़ के राज घराने की आन बान शान को, उसके भविष्य को मिट्टी में मिला देंगे आप? क्या चाहते हैं राणा जी कि पिछली बार की तरह इस बार भी लाखों स्त्रियां जौहर करें? क्या चाहते हैं राणा जी, यदि स्त्रियों ने अपने प्राण दिए तो उनकी हत्या के जिम्मेदार होंगे आप? केवल आप राणा जी, केवल आप, आपको यहां से निकलना होगा राणा जी, इसी क्षण आपको यहां से निकलना होगा। सब कहते हैं हम आप जैसे दिखते हैं राणा जी, तो बस निभाने दीजिए हमें हमारा कर्तव्य। जीवन भर आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए, तो बस एक बार आज वो आपके निमित्त करके हमें हो जाने दीजिए मेवाड़ के लिए अमर। जाइए राणा जी, आप जाइए यहां से,
अब आपका स्थान झाला जी लेंगे। क्यों झाला जी? चिंता मत कीजिए भाई, शहंशाह के सर्वश्रेष्ठ सैनिक हमारे साथ हैं, अभी मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको। सब लोग तीर छोड़िए। नहीं क्षण इधर विजय, क्षण उधर विजय, रणभूमि जानती है। किराना जी के बाएं हाथ पे गहरा गांव, राणा तक चढ़ता चला गया, छाला ने राणा रक्षा की, रख दिया देश के पानी को। वो देखो प्रताप, हमला करो उस पे, बच के नहीं जाना चाहिए। साथ साथ अपनी अमर कहानी को, जय मेवाड़, जय मेवाड़। छोड़ो तुझे, मार डालो प्रताप को। देखो प्रताप तुम हो रहा, या खुदा, मतलब हमारी फौज जिसे असली प्रताप समझ रही थी वो कोई और है, असली प्रताप तो वो रहा। मतलब हमारी फौज तो खामख अपना वक्त जाया कर रही है। जब हम दोनों ने देख लिया इसे तो कैसे बच के जाएगा ये? पीछे करो उसका, चलो चलो। सहिंसा को अरे मार डाला प्रताप को। चेतक और तेज, चेतक और तेज, हिम्मत मत हारिए, हमें शीघ्र ही उदयपुर पहुंचना है। चलिए चेतक, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसे पार कर पाएंगे। चलिए राणा प्रताप के घोड़े से, चलिए चेतक। तक मुड़ जाता था।
ठीक तो है ना चेतक? अब ठीक तो है ना? कुछ नहीं होगा हमारे मित्र को, कुछ नहीं होगा हमारे मित्र को। क्या बात है चेतक? कुछ नहीं हो सकता आपको, आपको कुछ नहीं हो सकता चेतक। आपने तो वचन दिया कि आप हमारा साथ देंगे, हर पग पर हमारा साथ देंगे। आप हमारे प्रिय मित्र हैं चेतक, आप आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता चेतक। चेतक हमसे बात कीजिए चेतक, चेतक आपने वचन दिया था हमारा साथ देंगे, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते चेतक, आप हमें छोड़कर नहीं। उठिए चेतक, उठिए, उठिए चेतक, उठिए चेतक, उठिए। हमें ऐसा शो नहीं चाहिए, जो हिल हिला के नखरे दिखाए दिखा। माना कि बहुत हट्टा कट्टा और कसीला है, और नखरे कुछ अधिक दिखा दिखा रहा है। आपसे अच्छा मित्र तो शायद ही कोई हो सकता है। हम आपको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं। आज हम आपको एक नया नाम देते हैं, इतिहास आपको चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा। और जोर से मारिए, और जोर से। अमर सिंह जी, आपको तुरंत हमारे साथ चलना होगा, कुछ आवश्यक बात करनी है हमें आपसे। क्या बात है छोटी माँ? फतेह घाटी से दुखद समाचार है, आपके दादाजी रहा। नहीं नहीं छोटी माँ, ये उन मुगलों ने अफवाह फैलाई रखी है। नहीं अमर सिंह जी, इस बार उनका कहना है कि ये अफवाह नहीं है। मित्रता का आपने एक बहुत ही अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रभु आपकी आत्मा को शांति दे। हम आपके बिना सदैव अधूरे रहेंगे चेतक। क्यों चले गए हमें छोड़कर आप? समझ जाना चाहिए था
कि तुम खुद प्रताप को अपने हाथों से मारना चाहो। कोई बात नहीं, देर आयम दुरुस्त आयम। चलिए यह हक हम आपको अदा फरमाते हैं, संभालिए अपना शिकार। आप दोनों चुपचाप यहां से चले जाइए और इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। क्या कह रहे हो तुम? हमारे पास हुक्म है प्रताप को मारने का, और आपको याद दिला दें कि आपको भी प्रताप को मारने का ही हुक्म दिया गया है। हम अपना आदेश दोबारा नहीं दोहराएंगे। आप दोनों चुपचाप यहां से लौट जाइए। गद्दार, मुगल फौज के सिपहसालार बन जाने के बावजूद भी मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन को बचा रहे हो। दुश्मन नहीं भाई है वो हमारे, और एक सच्चा राजपूत कभी भी एक राष्ट्रभक्त का दुश्मन नहीं हो सकता। और शक्ति सिंह ने मुगलों से हाथ मुगलों की ताकत को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि तुम मुगलों को मिटाने के लिए मिलाया था। गद्दार! हमें पूर्ण विश्वास था कि आप लौट आएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप एक सच्चे राजपूत हैं, एक सच्चे राजपूत। उस मुगल का साथ देना और अपने बड़े भाई पर तलवार उठाना दो अलग अलग बातें हैं। हमसे एक भूल नहीं, बहुत सारी भूलें हुई हैं दादा भाई। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि किस किस भूल की क्षमा मांगे हम आपसे। लेकिन आप घबराइए मत, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अब तो चेतक भी हमें छोड़कर चला गया। दादा भाई, जब तक आप जीवित हैं, हर आस जीवित है। हमारी, आपकी, समस्त मेवाड़ की। दादा भाई, जब तक आप जीवित हैं, हम हार नहीं सकते। दादा भाई, इससे पहले कि कोई और मुगल यहां आ जाए, आप यहां से निकल जाइए। ये लीजिए हमारा घोड़ा, घटक नाम है इसका। दादा भाई, हम सबको आपकी आवश्यकता है, हमारे पास समय बहुत कम है। आप यहां से जाइए, हम आपको बाद में मिलते हैं। जय मेवाड़।
क्या ढूंढ रहे हैं आप इन शवों में? प्रताप की लाश, क्योंकि शहंशाह ने साफ साफ हुक्म दिया है कि जब तक वो अपनी आंखों से प्रताप की लाश देख नहीं लेंगे तब तक उन्हें यकीन नहीं होगा कि हमने प्रताप को मार दिया। वे हमारे इस बात पर कतई यकीन नहीं करेंगे कि हमने मार दिया है प्रताप को। हमें कुछ भी करके इन्हें यह विश्वास दिलाना ही पड़ेगा कि प्रताप मर चुके हैं, ताकि दादा भाई शांति से जंगल में स्वास्थ्य लाभ कर सके। शक्ति सिंह जी, दासी, जाकर जल्दी से कुंवर जगमाल को बताइए ये फूल कवर और अमर सिंह कहाँ छिपे हुए हैं। उन दोनों के समाप्त होते ही ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। जाइए। आप तो सचमुच पोर पोर से देश द्रोही है मासा। आप भी और आपका बेटा बेटा भाई नहीं है जगमाल हमारा। देश द्रोही है वो भी। देश द्रोही। फूल और अमर सिंह महल के उत्तरी गलियारे में छुपे हैं। पता चल गया मामा। सैनिकों, दीवार पर रस्सी डालो। अभी साहब और अमर सिंह महल के उत्तरी गलियारे में छुपे हुए हैं। जल्दी जी को लेकर भागे यहाँ से। आप जल्दी भागे। हम भी अपना समय मत गवाइए। कहीं चांद ऐसा मत कहिए। कुछ नहीं भाभी साहब, भाई जगमाल, मासा, मामा रायमन और मुगल सब आपको मारने के लिए आपके पीछे पड़े हैं। आप तुरंत भाग जाइए। वो नहीं चाहते कि मेवाड़ का कोई भविष्य जीवित रहे। हाँ भाभी साहब, वो ही तो हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। देशद्रोही है, अकबर से भी ज्यादा। आप भागे। काश हम पहले जान 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 आके खोलिया। जान आके खोलिया। और क्या जान हुआ? जान जान हुआ। जान आके खोलिए। जान आके खोलिए। कुछ नहीं होगा। जान हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। जान हमें सीखिए। हमें जाना होगा। आइए आइए सर। जान
सैनिकों, वो दोनों उतर गए, जाइए पीछे की जुन लोगों का। कहां थे आप शक्ति सिंह जी? हम यहीं थे मान सिंह जी, किसी ने हमारे सर के पीछे से वार किया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए अचेत हो गए थे बस। ये आग कैसे लग गई हम? जब हमें चेतना आई मानसिंह जी, तब ये आग जल रही थी, इसीलिए विश्वासपूर्वक आपका कोई कारण नहीं बता सकते हम। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण हानि तो ये हुई है कि शहंशाह अकबर को दादा भाई प्रताप का शव प्रस्तुत करने का हमारा सपना इस आग में जलकर भस्म हो गया। क्या मतलब? मतलब ये मानसिंह जी कि हमने अभी अभी यहां दादा भाई प्रताप का बख्तर बंद और शिरस्त्राण इस आग में जलते हुए देखा है। ये ठीक कह रहे हैं हुजूर, ये रहा प्रताप का जला हुआ जिरह बख्तर। ये जरा बख्तर तो प्रताप का ही है, इसका मतलब प्रताप मारा गया। अकबर आजम जिंदाबाद, 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 अकबर आजम कौन है ये? कौन है ये? इतना घायल अचेत? संभवतः यही इसी युद्ध का कोई घायल राजपूत सेनानी होगा। चलो शीघ्रता से उपचार आरंभ करते हैं। मर गया है प्रताप, और आप सबको यकीन है इस बात पर? जी शहंशाह, प्रताप मर चुका है और उसकी लाश भी जल चुकी है। ये हुजूर मर चुका है प्रताप, मर चुका है प्रताप हुजूर। खामोश हो जाएं सब, हम शक्ति सिंह से दरियाफ्त करेंगे असलियत। क्यों शक्ति सिंह, मर चुका है प्रताप? जी शहंशाह। आपके जवाब में हिचकिचाहट, राजपूतों की इसी अदा के तो कायल हैं हम कि जब भी झूठ बोलते हैं उनकी जबान लड़खड़ा जाती है, झिझक खुद बखुद नुमाया हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह भी मुमकिन हो सकता है कि प्रताप अब तक मरा ना हो। क्यों शक्ति से? हां शहंशाह, ठीक कह रहे हैं आप। यह संभव है कि हमारे मारने के उपरांत भी दादा भाई प्रताप मरे ना, क्योंकि दादा भाई प्रताप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार भी है। जीवित था, जीवित है और आने वाली कई पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। जीवित है। आप उनसे कितने ही घृणा क्यों ना कर लें, फिर भी एक सोच के रूप में जनमानस में वे सदैव जीवित रहेंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा है शहंशाह कि हमारे इतने सबूत सामने रखने के उपरांत भी आप संदेह क्यों कर रहे हैं इस बात पर, जबकि सच ये है
कि हमारे सभी मुगल सेनापतियों ने उसे घेर कर मारा था और सभी ने उसे मरते हुए देखा है। हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं मान सिंह, पर क्या करें, हमारी आदत ही कुछ ऐसी है कि आंखों देखी और कानों सुनी बात से ज्यादा हम अपने जमीर और अंदर की आवाज पर ज्यादा यकीन करते हैं। और हमारी रूह ये कह रही है कि प्रताप अब मरा नहीं, मरा नहीं। हमारा ख्याल कि वो बहुत जल्द हम सब के सामने इस सैनिक के शरीर पर कहीं मरमान तक घाव है, रक्त भी बहुत बह चुका है शरीर से। इसका बचपना कठिन प्रतीत होता है। कितने दुख की बात है गुरुदेव कि इस युद्ध में इसके जैसे कितने ही शूरवीरों ने अपनी अंतिम सांस तक अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए मुगलों का सामना किया, परंतु फिर भी उदयपुर को बचा नहीं पाए ये मुगलों से। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? उदयपुर पे और जगमाल का अधिकार हो चुका है। मुगल सेना के साथ आक्रमण किया है ना जगमाल ने उदयपुर पे, और देख लीजिएगा आचार्य जी, शीघ्र ही उदयपुर के सिंहासन पर बैठने वाला है वो। और सुना है कि अकबर तो जगमाल को ही मेवाड़ नरेश बनाएगा। हमारे लिए भी यही अच्छा होगा कि हम स्वीकार कर लें इस वास्तविकता को, क्योंकि अब कौन रोक सकता है उस बुद्धिहीन मुगल को। हमारे राजा, हमारे नायक कुंवर प्रताप तो रहे नहीं इस संसार में। अमर सिंह अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, हमारे प्यारे भतीजे साहब कहां बैठे हैं छुपके? अमर सिंह जी, आपके जगमाल काको कहां हैं? बाहर आइए अमर सिंह जी, बाहर आइए अमर सिंह जी। मामा, अमर सिंह जी आइए, बाहर आइए अमर सिंह, अमर सिंह जी। मामा, उस दासी ने तो यही स्थान बताया था उन दोनों के छुपने का, किंतु यहाँ तो ना अमर सिंह दिखाई दे रहे हैं और ना ही फूल कवर भाभी साहब। मिल जाएंगे राणा जगमाल, मिल जाएंगे, जब पूरा उदयपुर आपको मिल जाए, ये दोनों बच के कहाँ जाएंगे? अमर सिंह जी, अमर सिंह बाहर आइए, अमर सिंह जी। अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह, कहाँ है फूल कवर, कहाँ है अमर सिंह? अभी हमारी आंखों के सामने भागे दोनों। आपने उन दोनों को जाने दिया? कैसे जाने दिया? उन दोनों के कारण हमारी चांद ने अपने प्राण गवाए हैं। मुझे किसी भी हालत में फूल कवर और अमर सिंह चाहिए। मार दे आप उन्हें, यदि वे जीवित रहे तो उदयपुर में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं जीवित रहेगी। अंतिम बार कहां देखा था उन्हें कुंवर जगमाल? वानीमा, अंतिम बार हमने उन्हें इसी पाकशाला में घुसते हुए देखा है। हमने भी इसी रसोई में आते देखा दोनों को, अचानक पता नहीं कहां अदृश्य हो गए दोनों। तो क्या आप दोनों जानते नहीं कि इसी पाकशाला से उदयपुर के बाहर रास्ता निकलता है, वहां से, उस सुरंग से? मामा जी, अब तुरंत सैनिकों के साथ जाके पीछा किए उनका। हमें वो दोनों जीवित नहीं चाहिए, हमारे सामने उन दोनों के शव आने चाहिए, सिर्फ चाहिए। जो हुकुम ने राणा जी। राणा
कम सांसें बची है इसकी, कुछ पलों से अधिक नहीं जी पाएगा ये। गुरुदेव, गुरुदेव, अकबर अपनी विशाल सेना के साथ उदयपुर की ओर बढ़ रहा है। अर्थात अर्थात अब अकबर का स्वामी तो होगा उदयपुर पर। अकबर का स्वामी तो होगा उदयपुर पर। अकबर का स्वामी तो होगा। अरे आप खड़े क्यों हो रहे हैं? आपको तो विश्राम की आवश्यकता है, खड़े मत होइए आप। विश्राम कीजिए देख के, नहीं तो समस्या हो जाएगी। अब आपकी उसी समस्या का हल है। तुम हो वाली समस्या का? अभी कुछ पलों पहले तो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे तुम। कौन हो तुम? के भविष्य का हम पुनर्निर्माण करेंगे। मेवाड़ के गौरव को हम पुनः जीवित करेंगे। हम वचन लेते हैं इस धरती माँ के कि हमारी आने वाली पीढ़ियां पूरे राजपूती यहाँ और शान के साथ एक स्वतंत्र राज्य में अमन और शांति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। हम हैं राणा प्रताप सिंह। जय मेवाड़। आइए शादी। चलिए चलिए बाहर। जो बच्चे बचपन से छल करना सीख जाते हैं उन्हें हम मार देते हैं। नहीं नहीं मामू साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? आप अमर सिंह जी को छोड़ दीजिए, आप बड़े हैं इनसे। हम अमर सिंह जी को लेकर बहुत दूर चले जाएंगे। ये कभी आपको कोई हानि नहीं करेंगे। अब हम छोटी माँ, अमर सिंह जी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हम छोड़ दीजिए अमर सिंह जी को। छोटी माँ, अमर सिंह जी आप पीछे हटिए। देखो फूल कंवर भाई से, प्राण तो हम इसके लेके रहेंगे। ठीक तो है ना? जी दादी राज। समय रहते दुर्ग से आपको भाग जाना चाहिए था मान भाई साहब, क्योंकि अब हम किसी भी देशद्रोही को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देशद्रोही? कौन है देशद्रोही? आप है देशद्रोही, क्योंकि आप हमारे विरुद्ध थी। तो अब
आपको देशद्रोही का ही दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। कोश जगमाल, ये मान आपकी बहन है ना? तो क्या हुआ रानी माँ, भक्त तो ये प्रताप की है ना? अगर ये प्रताप की भक्त है तो इन्हें मरना तो पड़ेगा ही, और इनको मारने के बाद हम इनके शव के छोटे 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 टुकड़े करके चील कौओं को खिला देंगे। जगमाल, नहीं, अभी आपने अधिक मदिरा पी है, ठीक से तलवार नहीं चलेगी ना, बाद में मार देना। ठीक है मासा, इन्हें हम कभी और मार लेंगे। देखा मासा, कैसे राक्षस को जन्म दिया है आपने, और देखना एक दिन ये आपके प्राण भी ले लेंगे, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो। इन संकट भरे पलों में जब हर मूल्य, हर आदर्श और हर संबंध का उपहास बना दिया गया हो, ऐसे में आपने जिस प्रकार अमर सिंह जी का ध्यान रखा, इनकी रक्षा की, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। हाँ फूल, भले ही आज ये वन हमारे शरणगाह हो, किंतु फूल एक दिन हम उदयपुर मुगलों से वापस लेकर आएंगे। अब कभी कोई नहीं छीन पाएगा तुमसे उदयपुर। मुगल हुकूमत करेगी अब तमाम मेवाड़ पर। अब खुशियां और हिफाजत दोनों मिलेंगी तुम्हें आगरा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए शहंशाह, आप अपना वृद्ध हस्त ऐसे ही हम पे बनाए रखें। अब हम आगरा जाएंगे। महाराणा प्रताप की जय। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम राणा जी। एकलिंग जी का कोटि कोटि धन्यवाद, आज उन्हीं के आशीर्वाद से आप जीवित हैं। जब इतने सारे शूरवीरों ने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो हमें तो जीवित बचना था ही ना। दुख तो केवल इस बात का राणा जी कि विवश होकर हमें यह स्वीकार करना पड़ रहा कि जिस मातृभूमि के लिए हमने, हम सब ने अपना सर्वस्व दिया, आज उस मातृभूमि पर, उस उदयपुर पर मुगल ध्वज लहरा रहा है। आचार्य जी, आपने सदैव हमें शिक्षा दी कि जब भी लगे कि जैसे सब कुछ समाप्त हो चुका हो और एक नई संभावना के जन्म की बात जो सोचे, वही सच्चा शूरवीर होता है। तो हमने मन से हार कहां मानी है? ये बात सत्य है आचार्य जी कि मेवाड़ के कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों पर उसने अपना अधिकार जमा लिया, वे उसके अधीन हो गए। किंतु आचार्य जी, ये युद्ध अभी समाप्त कहां हुआ है? इस युद्ध का अंत कहां हुआ है? क्योंकि यह धरती अब भी हमारी है, यहाँ की प्रजा हमारी, यहाँ के लोग हमारे हैं, यहाँ के वन हमारे हैं, यहाँ की नदियां हमारी हैं, यह अरावली के पहाड़ हमारे हैं, और यहीं से, इन्हीं पहाड़ों में से हम उन मुगलों पर आक्रमण करेंगे। हम एक नए युद्ध को आरंभ करेंगे उन मुगलों के विरुद्ध, और हम हार नहीं मानते, यही शिक्षा दी थी ना आपने हमें। आचार्य जी, एकलिंग जी की सौगंध हम वचन लेते हैं कि हम अपना सब कुछ खोया हुआ हम मुगलों से वापस लेंगे। जय एकलिंग जी।
बहुत अच्छे, बस यूं ही लगे रही, हमें यूं ही परिश्रम करना है। कहिए फूल, क्या बात है? राणा जी, जो भी मेवाड़ी नागरिक हमारे आश्रय में हमारे पास आए हैं, उनको देने के लिए खास की रोटी के अतिरिक्त अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम इस विषय पर सोचेंगे, कोई ना कोई हल अवश्य ही निकल आएगा। राणा जी, भामाशाह कवाड़िया जी आपसे मिलना चाहते हैं। वे मेवाड़ के नगर सेठ हैं और साथ ही राज परिवार के कोष संरक्षक। चुंडावत जी, उन्हें आदर सहित हमारे पास लेकर आइए। खंबा घड़ी राणा जी। घड़ी खंबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नहीं भामाशाह जी, आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मेवाड़ के नगर सेठ होने के साथ साथ आप राज परिवार के कोष संरक्षक भी रहे हैं। पीढ़ियों से हमारे पुरखों की धन संपत्ति जो है वो आपके परिवार ने उसकी रक्षा की है। आपका परिवार ही है जो हमारे इस राज संपत्ति के बारे में जानता है। राणा जी, पीढ़ियों से मेवाड़ के राज परिवार ने इस आपातकाल के लिए मेरे पास धन बचा के रखा था। आज वही मैं सौंपने के लिए आपके पास आया। 25 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। भामाशाह जी, राज परिवार के धन के साथ साथ अपना भी सर्वस्व देने के लिए धन्यवाद के उपयुक्त हमारे पास और कोई शब्द नहीं है आपके लिए। किंतु इस समूचे विध्वंस के बाद आपने जो एक नया जीवन प्रदान किया है, मेवाड़ सदैव आभारी रहेगा आपका, सदैव। और इसीलिए आज से संसार आपको दानवीर शिरोमणि भामाशाह जी के नाम से जानेगा। अब इसी राजधन से हम मेवाड़ के लिए फिर से एक नई सेना बनाएंगे और अपने खोए हुए भूभाग को मुगलों से फिर से वापस वापस। भले ही मुगलों ने हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया, किंतु ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। कुछ ही वर्षों में प्रताप ने फिर से अपनी एक सुदृढ़ सेना बना ली और उधर उदयपुर में धीरबाई जी को अपने ही कर्मों का फल देखने के लिए विवश होना पड़ गया, जहां वे भयंकर रूप से रोगग्रस्त थी, किंतु जगमाल उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा था। जहां एक ओर मुगलों ने प्रताप को मरा हुआ मान लिया था, जहां अकबर अपने विशाल साम्राज्य के दूसरे कामकाज में व्यस्त हो चुका था, किंतु यहां युद्ध रणनीतियों से प्रताप एक एक कर मेवाड़ के सभी खोए हुए दुर्गों को मुगल अधिपत्य से स्वतंत्र करवाता जा रहा था। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, उम्मीद है आपका सफर अच्छा रहा होगा। मुद्दे की बात करो, आप उदयपुर की क्या खबर? समझ में नहीं आ रहा है शहंशाह, जाने कौन बागी अजनबी है जो मेवाड़ में एक एक करके हमसे किले छीन रहा है। हमने कहा था तुम सबको, जिंदा है प्रताप। प्रताप? हाँ प्रताप, और हो ही नहीं सकती किसी की तिजोरी। फौरन मेवाड़ के लिए और ज्यादा फौज तैनात करना और एक अलग से बड़ी फौज उदयपुर की हिफाजत के लिए। सच गए प्रताप, तो तुम्हारे जिंदा होने की खबर से इत्मीनान हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मिलो ही ना हमसे मैदान में और यूं ही मर जाओ।
तो फिर मकसद क्या रह जाएगा? हमारे जी, हमारे जी। क्या जीवित है प्रताप? मतलब दादा भाई जीवित? हाँ, पर फिक्र मत करो, एक बहुत बड़ी मुगल फौज चल पड़ी है आपकी हिफाजत के लिए। अच्छा, तो बड़ी मुगल फौज आ रही है ना हमारी हिफाजत के लिए? मतलब पक्का आ रही है ना? अच्छा है। वास्तव में महारानी सर, अभी अभी राणा जगमाल सिंह को समाचार मिला है कि राणा प्रताप जीवित है। इस समस्या को सुलझाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि समय नहीं मिल पा रहा है कि आपसे मिलने के लिए। प्रताप? जी हाँ महारानी साहब, राणा प्रताप जीवित है और मुगलों से छिने सभी दुर्गों को मुगल आधिपत्य से स्वतंत्रता दिलवा रहे हैं। नहीं रानी मां, कुछ नहीं होगा आपको। हमारे पापों के प्राश्चित में तो कई जन्म लग जाएंगे, किंतु हमारी मातृभूमि को उसका वीर पुत्र जल्दी मिल जाएगा। छोटी मां की आत्मा को शांति प्रदान करें। आपकी सेना तैयार है राणा जी। मुगल सेना की संख्या मेवाड़ में बहुत अधिक बढ़ रही थी, पर यह बढ़ती मुगल सेना भी प्रताप के रणथंभौर में होने वाले लगातार छापामार आक्रमणों को भी नहीं रोक पाई। प्रताप अपनी छोटी सी सेना के साथ बार बार रणथंभौर पे छापामार आक्रमण करता रहा और अंत में वो रणथंभौर के दुर्ग पे मेवाड़ी ध्वज फहराने में सफल हो गया। साथियों, कुछ वर्षों पहले सभी को लगा कि हम समाप्त हो चुके हैं, मिट चुके हैं, हमारा अस्तित्व अर्थहीन हो चुका है। किंतु आज हम यहां आप सभी के समक्ष खड़े हैं। एक नया जीवन जीवन मेवाड़ खड़ा है और लगभग हमने मेवाड़ के सभी महत्वपूर्ण दुर्ग मुगलों से वापस जीत लिए हैं। फिर से हमारी धरती पर हमारा ही अधिकार है और अब हमारी प्रजा अब मुगलों से नहीं डरती। तो साथियों, अब समय आ चुका है एक सबसे निर्णायक विजय का, हमारे सबसे महत्वपूर्ण गौरव चिन्ह उदयपुर को उन मुगलों से वापस जीतने का। तो क्या आप सभी हमारे साथ हैं? जय गिलिंग जी, जय गिलिंग जी, जय गिलिंग जी, जय मेवाड़। उदयपुर की बात कुछ और है आज। क्योंकि वहां सबसे बड़ी सैन्य सुरक्षा है उनकी। रक्ति सिंह, आपका स्वागत है।
जितनी प्रसन्नता हमें आपको देखकर हो रही है, उतनी चिंता भी हो रही है आपकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि चारों ओर मुगल जासूस फैले हुए हैं। हमारा आपको यही सुझाव है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने खेमे में लौट जाइए। और यदि अगर हम ये कहें दादा भाई कि जितना हमें गलत खेमे में रहना था हम रह चुके हैं, बस शक्ति सिंह, यदि आज हम जीवित हैं, आप सभी के समक्ष खड़े हैं, आप सभी को संबोधित कर पा रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण है और वो है आप। बस इससे अधिक हम आपसे और अपेक्षा नहीं रखते, भला इसी में है कि आप अपने खेमे में लौट जाइए। किंतु दादा भाई, वो जो दर्पण हमारे आवासीय कक्ष में लगा है उसका क्या करें? अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कहिए। दरअसल बात यह है दादा भाई, जो दर्पण हमारे आवासीय कक्ष में लगा है, हम जब जब उसके सामने जाते हैं अपने प्रतिबिंब तक से आंख नहीं मिला सकते हैं। आप तो जानते हैं दादा भाई, हमने इस संसार में कभी भी किसी की चिंता नहीं की है, लेकिन हमारी स्वयं की जो अंतरात्मा है दिन रात हमें कचोटती रहती है। आखिर कब तक गला दबाए रखें हम उसका? वो शांत नहीं बैठती है, ना तो खुद चैन से जीती है और ना ही हमें जीने देती है। इसलिए दादा भाई, आपके उदयपुर को मुगलों से वापस लेने के इस अभियान में अपनी अंतरात्मा से विवश होकर हमें आपकी सहायता करनी ही होगी, नहीं तो हमें खुद को चैन नहीं मिलेगा। अमर सिंह जी, यदि आप अपने काकोसा को गले लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, आपको गला खंखारने की आवश्यकता नहीं है, आप भी स्वतंत्र हैं अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए। और राज परिवार के बाकी सदस्य भी स्वतंत्रता पूर्वक हमसे मिल सकते हैं दादा भाई के सामने। तो फिर ठीक है, ठीक है, उदयपुर को वापस जीतने वाले हमारे इस अभियान में हमारे सेना के प्रमुख सेनापति होंगे शक्ति सिंह। शक्ति सिंह जी की